वेलकम टू टाइम्स पंजाब के गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी रेनॉन पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें हर मूवी में देखने के लिए आप हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं। वन एंड ओनली वन मिस्टर गुरप्रीत गुग्गी जी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक फेमस एक्टर, एक डायरेक्टर, पॉलिटिशियन, और अब वो एक फिर से सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर लेके आने वाले हैं 13 दिसंबर को, कीर्ति। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं उनकी इस मूवी के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, तुसी ठीक हो जी? सर हम बिल्कुल ठीक है सर। आप इतनी सुपर डुपर हिट मूवीज दे चुके हैं पंजाबी इंडस्ट्री को, कैसे लगता है आपको जब इतना एप्रिसिएशन मिलता है लोगों से, इतने आप फेमस रेनॉन पर्सनालिटी है हमारी इंडस्ट्री के? दैट इज द रियल एसेट फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट, how much appreciation you get from the people. Yes, sir. So that is the real property I have with me. So otherwise ये सारा बैंकों का ही होता है, जो आप सोचो कि मैंने एफडी करा रखी है तो वो तो बैंक की है, आपके बाद किसी और के नाम पे हो जाएगी। लेकिन आपकी ये जो लोगों में एक मोहब्बत है, जो आपका एक रुतबा है, खलूस है, जो इज्जत है, एहतराम है, ये आपका है, आपके होते हुए भी, आपके जाने के बाद भी ये आपका ही रहेगा। सर एक पर्सनली अगर हमसे पूछे तो हमारे घर में डेली एक आपके जो कॉमेडी सीरियल शोज आए थे गुग्गी यार गपना मार या गुग्गी छू मंतर, आज भी वो हम डेली बेसिस पे देखते हैं। तो उसके बाद काफी टाइम से आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मूवीज की तरफ आप ज्यादा फोकस करने लगे, तो वो आप कब लेके आने वाले व्यूअर्स के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फील कम्फर्टेबल, मुझे हिंदी में बात करनी है, पंजाबी में सर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नहीं, ऑडियंस टारगेट ऑडियंस पता नहीं क्या है, लेकिन मैं पंजाबी से गल करांगा, लोगों को ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना जी? नहीं तो मैं लगा झूठ बोली जाता है। तो देखो जी, तुम बड़ी वधिया गल कही है कि पहलों जो साढ़े 10-10 साल 15-15 साल पहलों भी जो वीडियो आए वो क्लिप्स अज भी मोबाइल से घूम रहे हैं, और जी अज दीजा ने बड़िया शॉर्ट टर्म ने, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी, वो ओरिजिनैलिटी जी अज तुम देखने बहुत घट चीज़ा मिलती है। सो ह्यूमर जोड़ा इदा का होना चाहिए कि जो भी गल तुम याद आए या जो थोड़े सामने आए तो अच्छी लगे, तो हादसा आए। पर अज की डेट के प्रॉब्लम की हो गई है जी कि मूवीज़ वाले पास रुझान हो गया, तो नहीं कर रहे, ये रीज़न नहीं है। अगे वो साड़िया शॉर्ट फिल्म आदि होंगे सी, जिन्हें च मेरी फेवरेट जिदा घुग्गी यार कपना मार तुम किया, पर मेरी फेवरेट इन्ह च हैगी है सी ओ खिच घुग्गी खिच, तो देखी तुसी कि नहीं? सर वो नहीं देखी, बट जो आपने घुग्गी यार कपना मार और जो दूसरा कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें आप थक बने थे, तो इस मूवी में किसकी पार्टी जो आपकी आने वाली है, हमने सोचा था फिर आपको हम उस कैरेक्टर में शेड में देखेंगे। नहीं वो मैं करना चाहता हूँ, मेरा दिल करता उदा का कैरेक्टर करने, करांगा भी जरूर। पर मैं दस रहा कि वो फिल्म ना अगे होंगे कि डीवीडी रिलीज़ होंगी सी, सानू भी रोटी रोजी के पैसे मिल जाते सी, हुण जिहड़ी चीज़ इदां दी है ना एकदम नैट पर आ जाती है, नैट पर आ गई तुहाडी वो प्रोडक्शन जिहड़ी है बेकार होगी, क्योंकि किसी ने खरीदना ही नहीं। अज तुसी याद कर लो, तुसी कदे डीवीडी सीडी ऑडियो कैसेट कदे खरीदी हो मार्केट च? हाँ, इसीलिए हम वो करते ही नहीं है। तो मेरी कोशिश होंगी है कि जो लोगों को चाहिए फीचर फिल्मों के ही आप लोगों को इन्ना हैल्दी एंटरटेनमेंट दे। तो सर आप इतना काफी सीरियस कैरेक्टर्स आपने प्ले किए थे, अरदास अरदास तरह जो एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही थी, तो उस केस में आपको कितना कंफर्टेबल आप पर्सनली फील करते हैं? नेगेटिव कैरेक्टर्स या थोड़े से शेड्स डिफरेंट हो जाते हैं जिसमें सीरियस कैरेक्टर्स आपको प्ले करना पड़ता है? हाँ, नेगेटिव तो मैं थोड़ा चलदा जी, कि मेरे लिए दो करैक्टर करने बड़े औखे होंगे, एक नैगेटिव एक रोमांटिक। मैं दोवें जाली जे लगते हैं जी, और कॉमेडी या सोशल करैक्टर कोई मैं अगर करदा, कोई फैमिली करैक्टर करदा या करैक्टर रोल कोई भी करदा, तो मैं एक चैलेंज ही तरह मैं लैंना और मैं अपना बेस्ट करदा। अरदास की जो तुम गल करो या अरदास करा या दाना पानी से जिदा का मेरा काम से, या सन ऑफ मनजीत सिंह, वो मेरा थिएटर का बैकग्राउंड काम करता जी, क्योंकि मैं थिएटर किया बहुत पहलों शुरू से, तो मेरा अजे भी अंदरों मन करता कि उदा के करैक्टर करा मैं। मैनू अगर उस तरह के काम मिलते रहन तो मैं कॉमेडी तो ब्रेक ही ले लाँगा 4 साल की। बट सर यहाँ के व्यूअर्स बहुत उदास हो जाएंगे अगर आपने कॉमेडी से कभी भी ब्रेक लिया। अच्छा, जो नहीं लेंदे, नहीं लेंदे जी। बिल्कुल मेरा दिल करता कि हर तरह का सिनेमा होना चाहिए, मैं हर एक फिल्म च डिफरेंट तरह का रोल करना चाहना जी। क्या तुसी गल की अरदास करा दी या किटी पार्टी दी, तुसी याद करो मेरी फिल्म मुंडे यूके दे एंटायरली डिफरेंट करैक्टर, या तुसी कैरी ऑन जट्टा देख लो साडी फिल्म। सो मैं हर करैक्टर नूं चैलेंज ही तरह लैंना,
और कोशिश करदा कि अपना बेस्ट उस करैक्टर च दियां। सर आप जो आपकी मूवी आने वाली है बर्ड बर्ड रिलीज हो रही है इसके बारे में बात करते हैं, इसमें आप कितना मजा आने वाले हैं? असी अपनी पूरी कोशिश की है जी, जी तोड़ मेहनत की है कि लोग हस हस के लोटपोट हो जाए, क्योंकि जिहड़ा थिएटर च जाके टिकट लैके फिल्म देखता है उन्हें वापसी तो लगना चाहिए कि पैसा वसूल हो गया। सो ये भी मैं लगता है कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी है, लोग बहुत हसणगे परिवारों के नाल फैमिलीज नाल बैठ के फिल्म नूं इंजॉय करनगे। सो मैं सारे नूं रिक्वेस्ट भी करदा कि कमिंग फ्राइडे फिल्म आ रही है साड़ी किटी पार्टी, सो विद फैमिली जाओ और दोस्तों यार मित्र रिश्तेदार जिन्हें लोग ज्यादा बह के कॉमेडी देखते हैं ना उन्ना हासा ज्यादा आता है, इंजॉय करते हैं फैमिली से ना जी। सर एक चीज जानते जाते हम जरूर पूछना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि पंजाबी जो हमारे लोग हैं या हमारी पंजाबी लेडीज हैं बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा इस चीज को लेके किटी पार्टीज को लेके ज्यादा अपना माइंड उन्होंने फोकस कर दिया, एक में अराउंड 10 किटीज उनकी चल रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी क्या कोई सोशल मैसेज है उन लेडीज के लिए? मैं कहना तो बाद से जाऊंगा, पहले पूछना चाहूंगा तुहाडियां किन्नियां चल रही हैं जी। सर बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग ओनली वन, फ्रैंकली स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ओनली वन। अच्छा एक चल रही है पर कमाल की गल है जी कि अंग्रेजों नु अंग्रेजी का लफ्ज है किटी पार्टी, पर अंग्रेजों नु पता ही नहीं किटी पार्टी की होंदी है, इंडिया की इन्वेंशन है स्पेशली पंजाब की, मैं कहां तो किटी पार्टी साड़ी अपनी कार्ड है, और मैं समझता कुछ बुरा नहीं है क्योंकि साड़ा कल्चर है कि बंदे कमां ते फैक्ट्रियां च चले जाते हैं होर थावां ते बच्चे स्कूल चले जाते हैं या पढ़ाई च मशगूल हो जाते हैं, तो लेडीज़ लई एक आउटबस कोई इस तरह का चाहिए कि जिदे विच बह के अपने दिल दीआं गल्लां कर सकन, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी उन्होंने होना चाहिए। सो मैं सपोर्ट करदा वैसे किटी पार्टी नूं, कोई इदां दी गल नहीं, पर अपना नुकसान करके नहीं, घर का फालतू खर्चा करके नहीं, जे तुसीं इहदे विच शोबाजी च पैणा है, शो ऑफ करना यानी कि शोशेबाजी च पैणा है, फिर चीज़ रोंग है, जे इन सिर्फ इंजॉयमेंट तक रखना है एंटरटेनमेंट तक रखना है तो दिस इज अ गुड थिंग। सर आपकी कवरेज देखने वालों ध्यान है कि जो लेडीज है वो तो डेफिनेटली और ज्यादा मोटिवेट होंगी किटी पार्टी को, मोटिवेट होना पर मोटी नहीं होना खा खा के किटी पार्टी तो लोग खाते भी बहुत है ना, मोटिवेट हो ना मैं खा खा के वेट बाजे तो बाद कोई मोटी क्यों है मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, लोग समझते हैं कि आजकल जमाना खराब हो गया, लोग समझते हैं कि बहुत बेड़ा गर्क हो गया सोसाइटी का, ये मैं कहना चाहना जी कि ये बेड़ा गर्क सदियों तो सालों तो चलता आ रहा है, हुण सगो ठीक होया काम, क्योंकि जो अज गुनाह जो पाप हो रहे ने जो गलत काम इनफेंट बच्चियां नाल भी हो रहे ने, छोटिया मासूम बच्चियां नाल तो लैके 65-70 साल दी लेडीज जिस यातना चो लंघ रही ने, ये पहलों भी हुंदा सी और बहुत हुंदा सी पर पहलों दब लिया जांदा सी खत्म हो जांदा सी, पर सोशल मीडिया और मीडिया दे आने वाले चीज़ां सामने आने लगियां ने, इन्हां दे बारे लोग जागरूक होए ने, लोग अपने बच्चियों नूं संभालन भी लग पे ने, और जिथे किते इदां दी माड़ी घटना वापरदी है लोग उहदे अगेंस्ट खड़े होने लग पे ने, और किते ना किते दोषियों नूं सज़ा भी मिलन लग पई है, मेरे ख्याल नाल सही दौर होना आया। वैसे हमने सुना है गुरप्रीत खुकी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, बट इस चीज को लेके आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल जी, मैं सोशल मीडिया पे भी मैं सोशल कॉज लिए सोशल मीडिया पे काफी आना जी, और ये तो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिम मेरी भी मेरी अपनी नहीं एक बच्ची है तो सब तो पहले पेन तो मैं ही महसूस कर सकता ना कि वो पेन कितनी खतरनाक पेन है, सो मैं सब नूं चाहवांगा कि जिन्हां दे घर च बच्चियां ने या जिन्हां दे घर च बच्चियां नहीं भी हैगियां ये सोच के देखो कि तुहाडियां भैणां तुहाडे अगों बच्चियां घर फिर बच्चियां होणियां ने, सो ये एक ऐसा रिश्ता है इहनूं जे असीं अज सांभ के नहीं रखदे ते कल नूं कितना ना कितें ये समाज का सब तो गंदा अक्स जिहड़ा उहनूं पेश करे, सो सानूं अवेयर होंदी है। ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर योर अपकमिंग मूवी, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही रिनॉन्ड बॉलीवुड एक्टर के भी रिनॉन्ड एक्टर एंड कॉमेडियन एंड पॉलिटिशियन मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी मिस्टर गुरप्रीत खुकी जी, जिनकी तरफ से हमें बहुत ही अपीलिंग सा मैसेज मिला उनकी मूवी को लेकर, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये मिला कि किटी पार्टीज आर नॉट बैड, आप किटी पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं बट एक लेवल में रहकर, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, हमने भी शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब के।